नमस्कार, ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। फिंगेश्वर विकासखंड खुले में शौच मुक्त हो चुका है। बकायदा जनपद पंचायत द्वारा जश्न भी मनाया गया था, पर आज दिखाते हैं आपको फिंगेश्वर को ODF कर झूठे जश्न मनाने का सच। ग्राम पसौत से शेख इमरान की इस खास रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री के आंखों में धूल झोंक कर जिला गरियाबंद के अधिकारी व जनप्रतिनिधि सिर्फ कागजों में ही विकास खंड सहित पूरे जिलों को खुले में शौच मुक्त कर जश्न मना रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जनपद पंचायत फिंगेश्वर के ग्राम पंचायत पसौत से, जहां सरपंच सचिव के मिलीभगत से बड़े पैमाने पर शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। आधे अधूरे शौचालय बनाकर अपने गांव को तो कागजों में ODF किया है, वहीं गांव की बुजुर्ग महिला चमारिन भाई के नाम से आया था, लेकिन गांव के उप सरपंच गंगाराम साहू बुजुर्ग महिला को बहला फुसला कर अपने निजी जमीन पर आवास बना लिया और बुजुर्ग महिला की मरने का इंतजार कर रहा है ताकि PM आवास को कब्जा कर सके। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, बावजूद तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो कर घर रहते कदे कर बने तो घर है घर ते ही हार है इंद्रावास वो तो हार है काकर जगह बने हैं है? कौन बनवाए वाला वो कर था उप सरपंच है हाँ काबर बनवाए हैं अब बना रहा हूँ मोर का ले ले जमीन कितने में लिया अब बोला जियाद भैरव की दे दे हमें बंद जियाद तो कब तो कब कर दूँगी अब आए भाई ने उनका लोग लेकर नहीं जियाद भैरव का बाद में था फिर हम लेकर उनको हो जाएगी। अच्छा, कौन बनवा रहा है उसको? मैं बनवाता हूँ। अच्छा, उसके नाम से जो जमीन आई है आप अपने जगह में खुद बनवा रहे हैं? हाँ। नहीं, स्टाम्प लिखा पड़ी है। उसके बाद क्या आप कब्जा कर लेंगे? नहीं, वो जियाद भल रही ना, वो तो लिखा पड़ेगा कब्जा कर लेंगे उसको। अब उसका तो वारिस ही नहीं है तो कौन क्या होगा भैया? कौन बना रहा है अभी? अभी तो उप सरपंच बना रहे हैं। किसके नाम से बना रहा है? चमारिन के नाम से। जगह किसका है? जगह तो उप सरपंच जी का है। अच्छा, और अभी चमारिन के कहाँ रहती है? अभी ये अपने ये निवास में रहता है, ये उसका चमारिन भाई का पुराना मतलब मकान है, जगह है। किसको? और पंचायत प्रतिनिधि? हाँ, पंचायत सबको है मालूम। तो इसका विरोध नहीं कर रहे कोई? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितना बड़ा है ना, जितना आवास है, भ्रष्टाचार से लिप्त है ना, और यहाँ जितना भी कार्य कर रहे हैं सब गलत ही गलत हो रहा है। सरपंच ने झूठे कागज में गांव को ODF बनाकर बड़े बड़े मंचों से सम्मानित हो चुका है। ग्राम पसौद ने ऐसे दर्जनों शौचालय हैं जो अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। सरपंच बलराम ध्रुव का कारनामा यहीं नहीं थमता, कई घरों के शौचालय में सीट नहीं बिठाया है तो कहीं टंकी का निर्माण ही नहीं हुआ है, तो कई गिरने के कगार पर है। आज सैकड़ों ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर है। बने रहता खराब रहे हैं। अभी क्या हो गया? अब गड्ढा में काका थे से ढक्कन है ते गिर गए, तो मैं अब बंद कर दे। के दिन हो गए बंद करे? वहाँ महीना दो महीना हो गए। परिवार रहते घर में? चार। कहाँ जाते हो अभी शौच में? नंदिया नदी में। इससे कतेक आदमी जमा शौच में बाहर जाते हैं? बहुत बाहर जाते हैं। कितना जन जाते हैं वो संख्या में? ये एक ब्लॉक से अभी बन गए थे मन जाते, और नहीं बने थे मन नंदिया जाते। चमारिन भाई वाले इनका शिकायत हम हथ खसीर में किए थे, लेकिन अधिकारी लोग इसका कुछ नहीं किया। क्या शिकायत किए थे? यही कि चमारिन का डबल मंजिल आवास बना हुआ है पहले से, और उप सरपंच इसका अपने निजी जमीन में बना रहे हैं करके। क्या बना रहे हैं? पूरा वो राड भिंडी एक ही राड दे है, वो राड से तो पूरा उपयोग नहीं हो पैसे। अब एक बोरी सीमेंट ले जाए कि तो चेम्बर तो नहीं बन सके एक बोरी में, तो नहीं बनाने वाला। कितने दिन हो गए आपको शौचालय का उपयोग नहीं करते? पूरा नया से करे नहीं, उपयोग नहीं करे हमें यहाँ। कितने परिवार हैं आपके? पांच परिवार। कहाँ जाते हैं फिर आप लोग? हम लोग ऐसी चले जाते हैं या तो अपने पारा पड़ोसी है, हाँ। चाचा के यहाँ वहीं बैठ लेते हैं। सरपंच को अवगत कराए थे आपने इस बारे? नहीं, देख लिया है, ये तो पोताई करने उस सरपंच ही घर लोग आए थे ना। हाँ, क्या बोलते सरपंच? नहीं, कुछ नहीं बोले अभी तक। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? नहीं, कुछ नहीं बोले, ना पूछे भी नहीं हो। मैं कहाँ जा रहे हो? क्यों शौचालय नहीं बनाया हो? क्यों बाहर जा रहा?
चलो ठीक है जाओ जाओ। वहीं मजे की बात है कि ऐसे अधूरे शौचालय विकास खंड के दर्जनों गांव में हैं, बावजूद जनपद पंचायत फिंगेश्वर में धूमधाम सीमा कौशिक के गानों से झूमकर ओडीएफ उत्सव का जश्न मनाया गया था, जिसमें पूरे 72 ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व ब्लॉक मुख्यालय के अधिकारियों को सम्मानित किया गया था, जिसकी पोल अब खुल रहा है। कि क्या जनपद पंचायत के अधिकारी आंखों में पट्टी बांधकर ग्राम पंचायत पसौद को ओडीएफ का प्रमाण पत्र दिए थे? क्या इंजीनियर को भी इतने घटिया शौचालय नहीं दिखे? इन सब से यही लगता है कि ग्राम पंचायत पसौद में बड़े पैमाने पर शौचालय व प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भारी भ्रष्टाचार होने का आशंका ग्रामीण लगा रहे हैं। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ महेश पटेल ने जाँच कर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ एक शौचालय में ये समस्याएं हैं, निश्चित रूप से अभी साल भर हो चुके हैं शौचालय निर्माण को, तो कहीं ना कहीं कोई टूट फूट हुई होगी, निश्चित रूप से हम उसकी जांच करेंगे। अभी हम लोग का विशेष रूप से दिला है पंचायत का, तो मैं कल सुबह ही खुद जाके वहाँ शौचालय का निरीक्षण कर लूँगा। यदि कोई खामी पाई जाती है तो तत्काल संबंधित के ऊपर कार्रवाई होगी और उसकी सुधार भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसमें देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे महात्मा गांधी नरेगा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, पंचायत स्तर पे ये हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जो अभी फ्लेक्सिबल स्कीम में आ रही हैं। यदि इनमें कहीं भी अनियमितता की शिकायत पाई जाती है और वो जांच सही पाई जाती है तब तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ग्राम पसौद में सरपंच की भारी मनमानी सामने आया है। कई यहाँ ऐसे शौचालय हैं जो खंडहर होते जा रहे हैं और शौचालय में तो कुछ सामान रखे हैं, कई शौचालय का टंकी भी नहीं बनाया गया है। ग्रामीण बेहद ही परेशान हैं। और यहाँ भी जो पीएम आवास बनाया गया है, सरपंच उप सरपंच अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाया है और इस इंतजार में है कि कब वो बुजुर्ग महिला मरे और वो अपना जो उनका जो पीएम आवास है बुजुर्ग महिला के नाम से, वो उसको कब्जा कर सके। तो ग्राम पसौद में बेहद ही गंभीर और समस्या है, मामले हैं, और इस पर जनपद पंचायत के सीईओ से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि खुद गाँव पहुँचकर जाँच करेंगे और जाँच के बाद एक बड़ी कार्यवाही इस मामले पर करेंगे। देखने होगा कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई जनपद पंचायत के सीईओ करते हैं। glitch.in के लिए कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद। glitch.in में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। For more information, log on to www.glitch.in.